शिमला के साथ लगती पंचायतों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बस की मांग को लेकर अभिभावकों का एक प्रतिनिधि मंडल एचआरटीसी के एमडी संदीप कुमार से मिला। अभिभावकों ने एचआरटीसी प्रबंधक से स्कूल के बच्चों के लिए शोघी से वाटनाघाट तक बस सुविधा प्रदान करने की मांग की है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक से मिलने पहुंचे अभिभावकों का कहना है कि वाटनाघाट से शोघी स्कूल में 60 से 70 के करीब स्कूली बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन जब स्कूल से छुट्टी होती है तो उस समय उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए एचआरटीसी की कोई भी बस की सुविधा नहीं है। यही नहीं, जब बच्चे घर पहुंचने के लिए निजी बस में चढ़ने का प्रयास करते हैं तो या उनके साथ बदसलूकी की जाती है या फिर उन्हें बस से उतार दिया जाता है। मेरा नाम नीलम है, मैं वाटनाघाट के रहने वाली हूँ। हम जो है आज यहाँ पे बस की समस्या को लेके आए हैं, क्योंकि हमारे लोग बच्चे जो है वो शोघी स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब बच्चों को शाम को 4 बजे छुट्टी होती है तो प्राइवेट बस वाले ना तो बच्चों को बस रोकते हैं, अगर रोकते भी है तो बच्चों के साथ जो है गलत हरकत करते हैं, या मतलब बच्चों को बोलते हैं कि उतर जाओ बस से। तो हम चाहते हैं कि कोई भी सरकारी बस का टाइम ऐसा हो जो 4 बजे हमारे बच्चों को जो है वाटनाघाट तक पहुँचा दे। सर बच्चे 60 और 70 के बीच है, कि हम इसके बारे में आगे जरूर कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी आपने क्या प्रिंसिपल को? हाँ जी सर, हमने प्रिंसिपल को भी दे रखा है सर मेमोरेंडम, और उनसे जो है लिखित रूप से हम यहाँ लेके आए आज। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीरा वर्मा है, मैं भी वाटनाघाट से बिलोंग करती हूँ। हमारी यही समस्या है कि हमारे बच्चों के लिए बस लगाई जाए। हाँ जी, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, शाम को वो 5-6 बजे पहुँचते हैं घर में। सर ये बच्चे कौन सी क्लास? क्लास से है वहाँ पे, और 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। हाँ जी, उनके लिए सभी के लिए समस्या आई है सर। तो हाँ जी सर, आज के जो अंदर मिला है क्या आपको बोला है? और सर उन्होंने बोला है कि हम इसके ऊपर करेंगे आगे कार्रवाई जो भी होगा। सर इसके लिए तो बहुत समय हो गया है सर। सर बच्चे छोटे हैं तो बच्चों के गिरने का भी डर बना रहता है। हाँ जी, अब एक तो बच्चे अगर हमारे कुछ एक बच्चे गिर भी चुके हैं लेकिन टाइम से वो घर नहीं पहुंच रहे। अब बच्चा 6 बजे घर पहुंच रहा है तो बच्चा पढ़ेगा कब या आगे स्टडी कब करेगा? तो फिर ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और बच्चे कल भी हमने एक वीडियो वायरल किया है, क्योंकि उसमें ये है कि बच्चे अलग अलग दुकानों में गए हैं। प्लस टू का भी बच्चा है, वो ज़्यादातर नशे का डर बना रहता है, क्योंकि बच्चे जो है युवा वर्ग आजकल नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहा है। तो अगर हमारे को अपनी आने वाली जनरेशन को सुधारना है तो सबसे पहले हमारे को बच्चे हमारे सबसे पहले घर आने चाहिए टाइम से, तभी हम ये नशा भी बंद करवा सकते हैं और रोक भी लगा सकते हैं।